लट लिए गुंडे खड़े रहते हैं हाईवे के ऊपर, कई बार तो मैं भागता हूँ पीछे उनके, वो भागते हैं आगे, रात को मैं ही घूमता हूँ राजस्थान में आपको पता। और तभी इसमें मामला गड़बड़ हो गया तो लोग कह देंगे भाई फिर आप 20 साल तक रोता कहीं कर लियो, क्यों नहीं? जिसके पीछे पड़ जाता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ, हमेशा दिखाए भाइयों। अवैध रॉयल्टी के जो नाके यहाँ पे लगे, आज मैं आया हूँ कुछ तो करके जाऊंगा, ऐसे नहीं है कि मैं आया मैं चल दिया, फिर तो क्या मैं रैली करो और वोट मांग के निकल जाओ। मैं आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, जितने भी अवैध नाके सारे नाके आज से ही हटवाएंगे यहाँ पे, जहां जहां अवैध नाके लगे। गांव में सड़कें और पेयजल की बहुत बुरी स्थिति है, कोला एक सत्ता मेरा पहले भी मंत्री रहे, ये भी मंत्री है, ये मुख्यमंत्री के खास हैं, चाहते तो सड़कों का जाल बिछा देते। मैं सत्ता में कभी नहीं रहा, खींवसर में सड़कें देख लो जाके, 5.5 मीटर से चौड़ी सड़कें नहीं मिलेगी गांव के अंदर, और जब नवंबर तक सारी सड़कें बन जाएगी तो मुझे लग रहा कहना पड़ेगा अभी रुक जाओ 2-4 साल बाद, ज्यादा हो रही सड़कें, धाणी धाणी गांव गांव सड़कें जा रही। मैं तो ये भी प्रयास कर रहा हूं कि मेरे भाइयों को टोल नहीं देना पड़े, लोकसभा के अंदर फ्री टोल की बात देश में किसी ने करी? नागौर के सांसद ने करी, पिछले हमारे संघर्ष में पूर्ववर्ती सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, लेकिन इस सरकार ने वापस टोल चालू कर दिए। मेरी मांग है राजस्थान की सरकार से कि मुख्यमंत्री जी ये रात कैंप लगा के मुफ्त के सिलेंडर और मुफ्त की दवाई बांट के आप सत्ता में आना चाहते हो, ये राजस्थान की जनता जानती है वो पैसा आप कहां से लाए थे, वो पैसा बजरी माफिया का है, वो पैसा डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है, वो दिल्ली भी टैक्स लगा रही है, आप भी टैक्स लगा रहे हो, वो पैसा टोल का पैसा है, रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ता है, टोल का पैसा देना पड़ता है, और 3 लेयर हम किस तरह भुगतेंगे? एक ट्रक कोलाई से रवाना होके अगर 4 महानगरों में जाके वापस बीकानेर आता है तो उसे 25,000 रुपए का टोल देना पड़ता है, कहां चलाएगा व्यक्ति टोल बताओ मुझे? ये गुंडागर्दी देखिए आप, डीटीओ आरटीओ वाले वो अगर उनको नींद आ जाए तो पुलिस वाले वो लठ लिए गुंडे खड़े रहते हैं हाईवे के ऊपर, कई बार तो मैं भागता हूँ पीछे उनके, वो भागते हैं आगे, रात को मैं ही घूमता हूँ राजस्थान में आपको पता, बाकी नेता तो 8 बजे सो जाते हैं तो भगाता हूँ, तो हालत इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? इस हालत का जिम्मेदार तो अपन खुद हैं कि हमें वोट की ताकत से हमारी खुद की सरकार बनानी। मैं ये तो नहीं कहता कि एक दिन के अंदर राजस्थान और भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं और मेरे प्रयास का यह परिणाम हुआ कि जिस कोलाइत के अंदर आज तक लोग मीटिंग नहीं कर पाते थे, उस कोलाइत के अंदर इतनी तादाद में नौजवान आया है कि दिल्ली तक आवाज पहुंच गई कि कोलाइत में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जन हुंकार रैली। भाइयों आप मुझे हिम्मत दें, उम्र बढ़ रही है ना धीरे धीरे, अब 23 में मजबूती दिखा दोगे, लड़ाई और लड़ सकते हैं, और 23 में मामला गड़बड़ हो गया तो लोग कह देंगे भाई फिर आप 20 साल तक रोता कहीं कर लियो, क्यों दीप जी ये कहेंगे ना लास्ट में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं थकने वाला नहीं हूं, आप थक जाओ तो मुझे कह देना, मैं रुक जाऊंगा, आपके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा। मेरी एक आदत है जिसके पीछे पड़ जाता हूं उसको दिन में तारे दिखा देता हूं, हमेशा दिखाए मैं, ये समझ लो कि मैं कोलाइत में पीछे पड़ गया, आज से पीछे पड़ गया, और कोलाइत में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा जब तक नहीं हो जाता, हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की पूरी फौज कोलाइत में समय समय पर आपके बीच रहेगी, आपको संभालेगी और आपके लड़ते संघर्ष करेगी। ये एनएलसी जो लिग्नाइट कंपनी ने तो ये सीएसआर फंड खर्च कर रही है और इसने दुनिया भर की जमीनें प्रभु जी इसने एक्वायर कर ली, उन जमीनों पर क्या हो रहा अभी? तो
तो मेरा तो ये कहना है कि जो खाली जमीनें पड़ी है ना, जो काम नहीं आ रही है, उनको आप वापिस अपने कब्जे में लेकर उसमें खेती करो। आप इनकी तो कह रहे थे और खेती निकले, आप लोग करें। और मैं बरसिंह सर के, मैंने मेरे वहां तो कई जगह करवा दी खेती, चालू भाग गए, कंपनियां छोड़ गए। बरसिंह सर के जो भाई आए थे यहां पे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। दूसरा क्या मामला था, जोड़ पाइथन की जमीन पे जो डंपिंग कर रहे हैं, एक हुंकार। थोड़े दिनों बाद बरसिंह सर में भी आऊंगा भरने के लिए, भगा दूंगा उन सब पक्का। आप निश्चिंत रहें, बीकानेर और नागौर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि नौजवानों की सबसे बड़ी ताकत अगर आरएलपी के अंदर है तो नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के अंदर यहाँ का नौजवान ताकत से हर लड़ाई को लड़ता है। एक मैसेज डालता हूँ और अपने आप कलेक्ट्रेट पे चले जाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी पूरी टीम को कि मजबूती से यहाँ पे सारी टीम लड़ाई लड़ रही है। हमारे आज के जो ज्ञापन थे, ये तो राज्य में पढ़ के ज्ञापन भी सुना दूं आपको। स्टेट हाईवे संपूर्ण कर्जा माफ की बात कांग्रेस पार्टी ने करी, बीजेपी ने करी, संपूर्ण कर्जा माफ हो। कृषि हेतु मुफ्त बिजली राजस्थान में मिले, और क्यों नहीं मिले, बिजली उत्पादन के अंदर अपने एक नंबर पे आ रहे हैं देश के अंदर। थोड़े दिनों बाद जब एक नंबर पे आ रहे हैं तो फ्री बिजली, फ्री बिजली राजस्थान के किसानों को मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिले, ताकि आराम से ये बिजली चोरी का झंझट ही खत्म हो जाए सारा। राजस्थान सरकार लोकायुक्त मजबूत करे, टोल मुक्त करे सभी स्टेट हाईवे, फिर दिल्ली की बात करेंगे अपन। किसानों को फसल बीमा क्लेम, प्रीमियम तो पूरा ले लेते हैं लेकिन फसल बीमा के नाम पे 100 रुपए और 200 रुपए वापिस मिलते हैं, क्योंकि मंत्रियों के घर पे पैसा भेज देते हैं जिससे काम उनका ठीक हो जाता है। और अब तो मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द इतने चोर हो गए चारों तरफ। आरपीएससी पूरी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, न टोल का काम करते हैं न रॉयल्टी का करते हैं। अगर ये काम मैं करता तो ईडी मेरे घर मोदी सबसे पहले भेज देते, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो एक व्यक्ति काजल की कोठरी में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए, जिसपे दाग नहीं लगा, और हाँ अगर कर ली, ना कोई नहीं करवा सकता, गरीब को गणेश मान के जो सेवा इस प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल में सत्ता छोड़ के आपकी करी है, वो समय आ गया। हमें कलम की ताकत इस बार चाहिए भाइयों। मैंने पिछले चुनाव के अंदर भी कहा था, जब आपके बीकानेर के नेता भी मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर थे, वो कह रहे थे कि आप हमारा नुकसान कर रहे हो, तो मैंने बयान दिया, मैंने कहा हनुमान बेनीवाल किसी की दुल्हन नहीं बनेगा, या तो दूल्हा बनेगा या बाराती बनेगा। मैं बाराती बनने को भी तैयार हो गया, लेकिन बाराती को कोई ढंग का दूल्हा तो मिले, ढंग के दूल्हे ही नहीं राजस्थान के, तरह बताओ कहाँ है दूल्हे, दिख रहे हैं आप लोगों को। एक दिन कहते हैं ये करेंगे, दूसरे दिन वापस कहते हैं। एक दिन कहते थे गहलोत खराब है, दूसरे दिन कहते पायलट खराब है, गहलोत से हमारी बनती नहीं, यात्राएं कर रहे हवा के अंदर उनके साथ, जिसकी नहीं बनती वो तो बात ही नहीं करता।